राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दो दिवसीय यात्रा पर रविवार को जयपुर पहुंचे। राष्ट्रपति सेना के विमान से दोपहर 12:30 बजे स्टेट हैंगर पर उतरे। यहां सेना और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोविंद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राज्यपाल कल्याण सिंह उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे। इसी दौरान जयपुर एयरपोर्ट पर गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, कैबिनेट मंत्री अनिता फजेल, हेम सिंह भड़ाना, कृष्णेंद्र कौर दीपा, महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा और मुख्य सचिव डीवी गुप्ता और डीजीपी ओपी गल्होत्रा भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति कोविंद के विमान के साथ सेना के 3 हेलीकॉप्टर भी रहे। इनमें से 2 हेलीकॉप्टर शनिवार को स्टेट हैंगर पर पहुंच गए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का राजस्थान में यह पहला दौरा है। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर व स्वागत के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच राजभवन पहुंचे। यहां राजभवन में ही शाम करीब 5 बजे हाई कोर्ट के जजों के साथ वे हाई टीम में शामिल हुए। इसके बाद शाम 6 बजे बिड़ला ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां जयपुर नगर निगम की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया। यहां भूतपूर्व उप राष्ट्रपति भैरव सिंह व जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे सुंदर सिंह भंडारी की याद में 2 योजनाओं की लॉन्चिंग की गई। शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति गवर्नर हाउस से रवाना हुए। इसके बाद रविवार रात 8 बजे बाद उनके सम्मान में यहां रात्रि भोज रखा गया। यहां रात्रि विश्राम के बाद राष्ट्रपति सोमवार सुबह सेना के हेलीकॉप्टर से पुष्कर के लिए रवाना होंगे।